गुड मॉर्निंग गाइस, अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखते हैं और मेन मेन पॉइंट की पॉइंट अपन देख लेंगे इसमें। अफ्रीका इज सेकंड लार्जेस्ट, नॉट लॉन्गेस्ट, इट्स लार्जेस्ट एशिया के बाद कॉन्टिनेंट इन द एरिया विच कवर 6% अर्थ टोटल सरफेस एंड 20.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया। जो टोटल लैंड एरिया है ना जो अर्थ पे, वो ठीक है। इट हैज 54 कंट्रीज एंड लेटिट्यूड क्या है, 35 डिग्री साउथ एंड 37 डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड इज 50 डिग्री ईस्ट एंड 70 डिग्री वेस्ट। Let's see the temporary diagram or sorry map of Africa continent. इसके नॉर्थ में पड़ता है मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ गैबेस है यहाँ पे, गैब्स, गल्फ ऑफ सिद्रा, डेल्टा ऑफ नील है यहाँ से स्टार्ट होता है इस पॉइंट से, और यहाँ पे रेड सी है, और यहाँ से फिर आपका ईरान और इराक वगैरह जो कंट्रीज हैं, नहीं सऊदी अरेबिया, नॉट ईरान इराक, सऊदी अरेबिया है और इज़राइल है, जॉर्डन है, ये कंट्री है यहाँ पे, ये रेड सी है, यहाँ से जो स्वेज कैनाल है यहाँ पे, गल्फ ऑफ एडन, बीटर लेक है यहाँ पे, ओके। फिर हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो है डीलागोआ बे, ठीक है, इंडियन ओशन पड़ता है यहाँ पे सारा, हेलिना बे है, गल्फ ऑफ जीना, और अटलांटिक ओशन इसके ईस्ट में पड़ता है और यहाँ पे वेस्ट में पड़ता है, और यहाँ पे ईस्ट में जो आपके गल्फ ऑफ एडन है और ये चीज़ें हैं, इंडियन ओशन है ये सारा, और यहाँ पे है आपका सऊदी अरेबिया। उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट क्या है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, किलिमंजारो 5895 मीटर। लोएस्ट पॉइंट क्या है, लेक एसल 156.1 मीटर। अल्जीरिया इज अफ्रीका लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, इसकी कैपिटल फाइंड आउट करनी है, करेंसी। नाइजीरिया बाय पॉपुलेशन लार्जेस्ट है, कैपिटल एंड करेंसी फाइंड आउट। सेपरेट फ्रॉम यूरोप, ओके, एंड मेडिटेरियन सी, आप मैप में देखो, ठीक है, मेडिटेरियन सी कैसे, जो यूरोप है, यूरोप क्या पड़ता है यहाँ पे, अगर साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो यहाँ पे ऊपर है, तो इसके बीच में क्या है, मेडिटेरियन सी है। इट इज जॉइन विद एशिया एट इट्स नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीम एंड बाई इथुमस स्वेज 163 किलोमीटर वाइड, ठीक है, और इसमें प्लेटू क्या क्या आते हैं, द एंटायर कॉन्टिनेंट इज ए प्लेटू। थ्री टाइप ऑफ पल्म ट्री आर फाउंड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कोकोनट पल्म, ऑयल पल्म और डेट पल्म, ठीक है। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज क्रॉस बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओनली कॉन्टिनेंट है ये एक। फिर हम देखते हैं अफ्रीका इज ऑल्सो ए डार्क कॉन्टिनेंट, वाई आई डोंट नो, डार्क मे बी वहाँ पे जो लोग हैं उनका कलर, उसकी वजह से। जो कटंगा प्लेटू फार्मिंग और रेंचिंग रिसोर्स क्या है, राइस ना रिसोर्स, हाँ ओके, कॉपर यूरेनियम रिच है, मतलब सबसे ज़्यादा जो रिसोर्स हैं इन रिच, मतलब सबसे ज़्यादा क्या क्या है, कॉपर यूरेनियम डिपॉजिट है यहाँ पे। इथोपियन प्लेटू में क्या है, लेक ताना, सोर्स ऑफ ब्लू नील, दो नील के भी दो पार्ट है, एक वाइट नील एक ब्लू नील। ग्रेट कारो सेमी डेजर्ट, ग्रेट कारो सेमी ए डेजर्ट रीजन है ये ग्रेट कारो,
बाई प्ले टू इम्पोर्टेंट फॉर कॉपर एग्रीकल्चर, ये कॉपर नहीं है भाई, हाँ कॉपर एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग, दिस इज आई डोंट नो व्हाई आई राइट दिस। और अडमान अडमवा प्लेटू है यहाँ पे, एक अडमवा प्लेटू काइंड ऑफ कंट्री। माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स एटलास माउंटेन इम्पोर्टेंट है। एरिया कितना है, 2400। डायरेक्शन अक्रॉस मोरक्को कंट्री, अल्जीरिया, तुनिशिया। हाईएस्ट पीक क्या है इसकी, सी लेवल से हाईएस्ट है ये, 4165 मीटर फ्रॉम सी लेवल। फिजिकल सेपरेटर बिटवीन एक्सटेंसिव कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन एंड अटलांटिक सी एंड द सहारा डेजर्ट। मैप में देखोगे अच्छे से क्लियर होगा। फिर आती है ये देखो, इसका नाम प्रोनाउंसिएशन देखो, जो माउंटेन है माउंटेन की चल रही रुजनजोरी माउंटेन। एरिया 240 स्क्वायर माइल्स। द रेंज बॉर्डर युगांडा और कॉन्गो के बॉर्डर पे। ओके, मार्गरिता पीक, इसमें जो मार्गरिता पीक है इस माउंटेन पे 5119 मीटर। माउंट एलगोन 4321 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। इट इज़ इन एक्सटिंक्ट वोल्केनो माउंटेन सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ लेक विक्टोरिया ऑन द युगांडा। फिर आता है तिब्स्ती माउंटेन, ओके अहागर माउंटेन, द द्रक्षनबर्ग माउंटेन, माउंटेन केनिया सेकेंड हाइएस्ट इन अफ्रीका। हाइएस्ट पीक है बेटियन 5199 मीटर। किलीमंजारो विद इट वेयर देयर वोल्केनिक कॉन्स, कीबो और माउसेनसी सिरहा इन नॉर्थ ईस्ट तंजानिया। हाइएस्ट पीक इन अफ्रीका 5 किलीमंजारो हाइएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका 5895 मीटर। माउंट कैमरोन, कैमरोन माउंट जो माउंटेन है माउंटेन कैमरोन, ठीक है। फिर डेजर्ट में सहारा डेजर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, खलारी डेजर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सहेल डेजर्ट और नीम डेजर्ट सेपरेटेड बाय लीबियन डेजर्ट बाय नील रिवर, ठीक है। रिवर मेन कौन सी है, नील है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट है सबसे। ओरिजिन लेक विक्टोरिया से ओरिजिन होता है, और जो ये रोनजीरो माउंटेन है यहाँ से, इसको माउंटेन ऑफ मून भी बोला जाता है। फ्रॉम लेक अल्बर्ट इट फ्लो एज द वाइट नील, ठीक है वाइट नील मिलती है इसमें। और नील फ्लो 3000 किलोमीटर थ्रू ड्राई सहारा डेजर्ट बाई इजिप्ट ऑफ इजिप्ट एंटर मेडिटेरियन सी, ठीक है। इजिप्ट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नील रिवर। असवान डैम है यहाँ पे, लेक अंसार है अंसार पे, और पोर्ट सेड एंड अलेक्जेंड्रिया एट द माउथ ऑफ नील। कारियो गीजा और खरतूम सिटी आर ऑन द रिवर ऑफ नील। फिर देखो रिवर कॉन्गो एंड जारिया, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका कॉन्गो रिवर, स्टार्ट फ्रॉम साउथ वेस्ट ऑफ लेक तंजानिका एंड फ्लो इन टू द अटलांटिक ओशन। जारिया बेसिन इज वन ऑफ द वेटेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन कटांगा प्लेटू एंड यहाँ पे एक वाटरफॉल है बोयोमा वाटरफॉल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये कौन सी कंट्री में है या ये आपको फाइंड आउट करना है, रिवर मुझे ही फाइंड आउट करना है, इतने व्यू नहीं आते हैं यार। रिवर नाइगर चीफ रिवर ऑफ वेस्ट अफ्रीका, इट जॉइन द गल्फ ऑफ गिना जिना जीनिया। रिवर कौन कौन सी रिवर चल रही है, रिवर जम्बीजी फ्लो इनटू द इंडियन ओशन। द फेमस विक्टोरिया फॉल एट द हेड ऑफ लॉन्ग जरिगो ऑफ दिस रिवर। रिवर लिम्पोपो फ्लो इनटू द इंडियन ओशन विच क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। ओके, रिवर ऑरेंज फ्लो फ्रॉम द डार्क ड्रैग
एंसबर्ग माउंटेन और इनटू द अटलांटिक ओशन। फिर हम देखते हैं लेक कौन सी, लेक विक्टोरिया है, इम्पोर्टेंट लेक है, सेकेंड लार्जेस्ट लेक, फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, इट इज लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, इट इज सिचुएटेड ऑन द ब्लैक माउंटेन बिटवीन द टू ब्रांच ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली, इट इज सोर्स ऑफ वाइट नील, विक्टोरिया से वाइट नील निकलती है और नील नदी कहाँ से निकलती है आपको पता ही है। लेक ताना, इट इज द इथोपियन प्लेटू सोर्स ऑफ ब्लू नील, जो ताना रही है ना ब्लू नील, वो लेक ताना से निकलती है और वो विक्टोरिया से वाइट नील। लेक चांद है चाद, और लेक नासर इज ऑन नील रिवर, मैन मेड लेक है ये बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान। लेक करीबा, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक इन द अफ्रीका। लेक एसल है, इट इज सिचुएटेड इन जिबौती एंड द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। लेक तंजानिका 773 मीटर इसका एरिया है और मैं फैली है, रिफ्ट पहली लेक है ये, और तुर्किना लेक कौन सी है 360 मीटर, अल्कलाइन लेक है ये, और लेक अल्बर्ट है 615 मीटर, वेस्टर्न लेक रिफ्ट लेक। ठीक है, फिर हम देखते हैं लेक एडवर्ड, ये भी इसकी है 91 या 2 मीटर कह लो। लेक कीवू है 1460 मीटर। उसके बाद है इम्पोर्टेंट डैम्स कौन से हैं, असवान डैम नील रिवर पे है इजिप्ट में है, कैरबिया डैम जिम्बेजी रिवर पे है जिम्बाब्वे और जिम्बिया में कह लो, और किनाजी डैम नाइजर रिवर नाइजीरिया में है, छोरा बासा डैम जिम्बेजी रिवर पे और ये कहाँ पे है मोजाम्बिक में, विक्टोरिया फॉल जिम्बेजी में और जिम्बेजी रिवर आएगा यहाँ पे आई थिंक, और जिम्बेजी जिम्बाब्वे में, और बोयोमा फॉल कहाँ पे है जेरी रिवर पे और डेमोक्रेटिक में ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।